Students of our college, which are who are also ambassadors of the college, and they are organizing the demonstration on the use and functions working of EVM and VVPAD machines. Basically, that machine is an electronically printing machine which is attached to electronically voting machine, that is known as EVM. So when a voter presses the button, one printed slip is drawn out of the printing machine, that is EVM, and it contains the name of the symbol of the poll as well as the name of the candidate, and it also enables the voter to verify that his vote has been cast in favor of the right candidate, that is intended candidate, and it also ensures the authorities to count the number of votes in case of any dispute in the number of old votes, and it also ensures greater participation and authenticity of the votes in the polling process. And they are going to demonstrate this. We have also invited some trainers from the district administration that will also accompany our team. Our team is basically going to high school, but we have invited Sarpanch, Panchis, and a number of villagers, and our team will demonstrate the working of VVPAD machines. And the main objective of this trip is to spread greater awareness among the people of Govt and other allied villages, as well as to make them aware of their duties, of their responsibilities, of their rights and claims. एक्टिविटी है जो हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर तजिंदर सिंह साहब की डायनेमिक लीडरशिप के अंडर हो रहे हैं, तो हमने इस वीक प्रोग्राम का एक शेड्यूल बनाया है। उस शेड्यूल के कुछ प्रोग्राम हो गए हैं और एक दो प्रोग्राम रहते हैं, तो उसी प्रोग्राम में पहले हमने साथरा विलेज को अडॉप्ट किया था, उसके एडजाइनिंग एरिया को और वहाँ की पंचायत को और आवाम को हमने अवेयर किया था। उसी सिलसिले में आज ये जो टूर है, मोर देन 50 स्टूडेंट्स और विद सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, हम बनमत में जा रहे हैं। बनमत हाई स्कूल में वहाँ के पंचायत मेंबर्स, सरपंच और पंचेस और उनके अलावा जो जनरल मास्टर से उनको इनवाइट किया हुआ है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट और रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम किया है। वहाँ पे हम उन लोगों के साथ एक प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे बच्चे भी बोलेंगे और जिसमें हमारे जो स्पेशल ट्रेनर हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अपनी तमाम वोटिंग मशीन्स और वीवीपैट और दूसरे इक्विपमेंट लेकर वहाँ पर एक डेमो वोटिंग करवाएंगे। और इसका ये मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वोटिंग कैसे करनी है और इलेक्शन कमीशन ने इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज की है। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो लोग हैं उनको उजागर करना है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, उस दिन छुट्टी नहीं मनाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट की बहुत वैल्यू है। तो वो बहनें और माएँ जिनको कभी मौका नहीं मिलता है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं, हम उनको हमारे बच्चे जाके बताएंगे कि आपको वोट के लिए निकलना है और किस तरह वोट कास्ट करना है और ख़ुद वोट कास्ट करना है। उसके बाद हमारे बच्चे डीप इन विलेज जाएंगे और ऊपर टोकड़ी और एडजाइनिंग एरिया में, वहाँ पर जाकर फिक्स पॉइंट पर लोगों को के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनको वोटिंग का एक्सपीरियंस। हम इसके लिए प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी स्वीप जो टीम है इसको बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ दी हैं कि जिसकी वजह से हम और हमारे बच्चे जो हैं वो इस प्रोग्राम को सक्सेस कराने में अपना पूरा तावन दे रहे हैं। साबर है और मैं बीए सेमेस्टर फोर्थ की स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ। आज हम यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बनवत, जहाँ पे हमें लोगों को ये बताना है कि उनका वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है।
और मैं आई एम थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोऑपरेटिंग विद अस और मैं अब्बासी सर का और प्रिंसिपल सर का और सभी स्टाफ मेंबर्स इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि हम जो भी प्रपोजल प्रिंसिपल सर के पास लेके जाते हैं वो होल हार्टेडली हमें हर जहाँ भी जितना भी वो सपोर्ट कर सकते हैं उतना वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने के लिए और उन लोगों को अवेयर करने के लिए जिन लोगों को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के इंसान का ये जानना कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या प्रिंसिपल्स उसको चाहिए और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इसलिए हम आज यहाँ जा रहे हैं लोगों को अवेयर करें कि उनको कैसे वोट देना है और वोटिंग और अपना वोट कास्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्मूथ फंक्शनिंग गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारे सरपंच जनाब लतीफ साहब मेरे मोहतरम काबली जनाब अब्बासी साहब प्रोफेसर साहिबान यहाँ पे आई हुई ईवीएम टीम यहाँ के बादशाहों एवं अजीज तुलबा मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कल ही मुझे पता चला था लेट ही कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है रात में भी किसी प्रोग्राम में था मेरी सेहत खराब है लेकिन रोहित का एक ये कोई भी ये ऊपर से जो गवर्नमेंट बनाती है अपना प्रोग्राम कहीं पे रखना या कहीं कहीं पे ये हमारे गांव के अंदर जश्री फरमान हमारे काम के हैं और हमारे गांव के मोदी सज्जन साहब शहीन साहब हमारी पंचायत के सरपंच जनाब लतीफ साहब और जदयू रिटायर्ड जनाब फैज जैन साहब और बाबू रशीद जी और यहाँ के प्रिंसिपल हमारे रफीक साहब और यहाँ आए हुए हमारे गांव के मजदूर हजरात पर जवान सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम कबूल हो आज इस मौका के ऊपर ये भी एक पहली बार हमारे देखने को आया कि हमारे गांव के अंदर कॉलेज की एक टीम एक सुलझी हुई रीजनेबल और काबिलियत रखने वाले नौजवान हमारे यहाँ अवेयरनेस करने को आए और हम लोगों को कास्टिंग योर वोट हाउ कास्टिंग योर वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद 100 मिलियन न्यू रजिस्टर्ड वोटर्स India's electorate is 5 times bigger than the 146 million people who were registered to vote in the 2012 elections in the USA, that is the world's second largest democracy. Voting is a fundamental right of any citizen that enables them to choose the leaders of tomorrow. In many countries, unlike India, the minimum age for voting is 18 years. Voting not only enables the citizens to vote for political parties, but it also helps them to realize the importance of citizenship. Many people do not vote thinking that one vote will not make a change, but as a matter of fact, it does. A nation's political foundation is built using elections. Voting is a basic process that keeps the nation's governmental system working. It enables the citizens to choose their own government. It also allows the people to choose their representatives in the government. The purpose of every government is to develop and implement various policies for the benefit of its citizens. It also enables the person with the right to question the government about issues and clarifications. Voting is the way to express the opinion of a citizen in a democratic nation. Voting is crucial to activating the democratic process. It is widely believed and often circulated
that the youth of today are uninterested in political events and are wrapped up in their own self-interest to pay any mind to the business of politics. Youth are the assets of any country and their role towards nation building can't be ignored. And in a democratic country like India, it becomes all the more important for the young people to know their rights and duties well and also to participate in the democratic process. However, there should be absolutely no reason to hold the voters back. The situation will only worsen if voters abstain from marking the ballot, as it could weaken the democracy, the best form of governance anyone could ever have. In a nutshell, I would like to conclude by saying, somewhere inside all of us is the power to change the world. Thank you. है जो पढ़ा लिखा हो एजुकेटेड हो और समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके. आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो इसके साथ ही मैं सर की बात कर रहे हैं तो मैं भी अब्बासी सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. ये जो इस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने बैठे हुए हैं तो ये बदौलत अब्बासी सर की ही है, क्योंकि उन्हीं के काविशों का नतीजा था कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अपने कॉलेज में लाया, प्रिंसिपल सर के साथ मिले और हम स्टूडेंट को यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मौका मिला. तो अब्बासी सर से हमने बहुत कुछ सीखा है पिछले 3 सालों से कॉलेज में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आइंदा भी हमें ऐसे ही ट्रीट करते रहेंगे कि तो इसी के साथ मैं ज़रा देर आप सब के बीच हायल नहीं रहना चाहूँगा. मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत करते हुए हमारे चौधरी सलीम खारी सर, जनाब जैदियो सर और उनके हमरा दीगर जितने भी हजरात आए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे ऑफिसर्स ट्रेनर आए हैं और इस स्कूल के हेडमास्टर सर और अजीज तुलबाउ तलिबाद, जैसे कि लतीफ साहब ने बताया कि जब मैं स्टूडेंट था तो ये बातें डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे और तब से ही इनके साथ मेरे एक दोस्ताना तलकात डेवलप रहे और जब ये रिटायर हुए तो इनको शानदार हमने फेयरवेल पार्टी दी और हम पूरा स्टाफ जो था वो यहाँ तक आया. जब से ये बर्मत के सरपंच बनने हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद सरपंच हूँ, जिसकी वजह से मुझे इस विलेज के साथ एक लगाव था कि लतीफ साहब वहां हैं, तारिक साहब मेरे करीबी दोस्त हैं और लतीफ साहब की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा तावन भी तारिक साहब का था. तो मैंने इस विलेज को जब इन्होंने शेड्यूल बनाया तो इस विलेज को बनाया. आज यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ और डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर पुंछ उनको आना था लेकिन किसी वजह से उनका कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से दूर नहीं बन सका. मैं उनको लतीफ साहब की वजह से यहाँ लाना चाहता था कि यहाँ के जो इलाके के मसाइल हैं उसको देखें, यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट को देखें और उसके साथ यहाँ जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप ट्रेनर हैं वो विद फुल इक्विपमेंट, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये पहले इलेक्शनों से इसलिए अलग है कि इलेक्शन कमीशन को कई शिकायतें हुई कि भाई मशीन जो है टेम्परिंग की गई थी, उन मशीनों में पहले ही फला फला के नाम थे, किसी को भी वोट डालो उसको जाता था. तो उस वजह से एक नया कंसेप्ट वीवीपैट आया है कि जिसमें कोई आदमी वोट डालने के बाद खुद देख सकता है कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है, क्योंकि वीवीपैट पर स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि क्या आपने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है क्या उसको पढ़ा है. तो उसके लिए यहाँ के गांव के विलेजर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम किया कि उनको एक इलेक्शन डेमो, एक वोटिंग डेमो, एक बैलेट सिस्टम डेमो यहाँ दिया जाए. उसमें ये जो हमारे कॉलेज की ये क्रीम है जो बच्चे यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, ये पूरे कॉलेज में हमारा 2396 बच्चा है उनसे चुन के ये सबसे जो टॉप इंटेलिजेंट और सबसे काबिल कॉम्पिटेंट लोग हैं इनको हमने लाया है कि ताकि ये बच्चे विलेज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें. इनमें से बहुत सारे बच्चे आज स्पीच नहीं कर रहे हैं, इनके प्रोग्राम हमने मंडी में रखा हुआ है, एक आध सेड़ी में रखना है, एक आध कई सुनकोट में भी हो. तो ये एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम है और उसके लिए मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ के बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि वो यहाँ ये डेमो खुद भी दे सकते हैं.
तो मैं बच्चों का शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी कॉल पे आए, और मुझे उम्मीद है कि पूरा दिन आप एक ऐसा डिसिप्लिन करेंगे कि जिसकी वजह से हमें कॉलेज से अप्रिसिएशन मिले और हमें बार बार इजाजत मिले कि हम डिफरेंट विलेजेस में ये प्रोग्राम कर सकें। आज के इस प्रोग्राम को चूंकि बहुत जल्दी किया गया, शायद कोई कमी रही होगी, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हुई तो मैं लतीफ साहब के लिए पूरी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा यहां लाने की कोशिश करूंगा। आज भी वो मेरी कॉल पर थे और मैं चाहता था कि आज के अगर डीसी भी यहां होता तो ये मेहमान खुसूसी और जो सदर महफिल था ये पहले से फिक्स था, अगर डीसी भी यहां होता मैं ये रिकॉर्ड हो रही है बात, तब भी आज के मेहमान खुसूसी लतीफ साहब थे और सरदार ज्योति खारी साहब के पास थे। तो बच्चों आप लोगों का मेरे साथ तावन, और जिस तरह आपने ये छुट्टी छोड़ी, और मैं खासकर मुबारकबाद देना चाहता हूँ होली के मौके पर हमारे सभी स्टूडेंट्स को और जो भी हमारे देशवासी हैं, और उन बच्चों को कि जो दिवाली का त्यौहार छोड़ के आज हमारे साथ यहाँ आए हैं, यहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए आए हैं। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से और इनकी तरफ से खुसूसी तौर पर अपने उन बच्चों को जिन्होंने अपना घर का प्रोग्राम होली का छोड़ा या नवरोज का जो है वो भी त्यौहार चल रहा है उसमें जो बच्चे वो घर में उनके फंक्शन था वो सारा छोड़ के आए, और इसके बावजूद आपने मुझे तावन दिया, मैं अखलाक का बहुत नाइस शुक्र गुजार हूँ कि ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का और इस पूरे प्रोग्राम का इंचार्ज अखलाक है। और मैं जमीर शेख जो हमारे कॉलेज के सदर हैं, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने इसको फुल सपोर्ट दी, और क्योंकि जमीर साहब के लिए मैंने एक मेगा प्रोग्राम मंडी में भी रखा हुआ है जो यही खुद चाकोट करेंगे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की टीम है।